हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी हैं, एक समय में पेशे से प्रैक्टिस करते थे डॉक्टरी का, अब रेलवे के आंदोलन के नेता हैं। हमारे देश में रेलवे का निजीकरण सबसे ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। हमने लगातार इस सवाल को उठाया है जंजवार ने कि निजीकरण में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आखिर मोदी सरकार की क्यों है, खासकर रेलवे में। सरकार ने निजीकरण किया स्वास्थ्य का और शिक्षा का। रेल में जितने लोग यात्रा करते भारत में, भारत में लगभग जितने लोग यात्रा करते हैं एक दिन में, उतनी कई देशों की आबादी नहीं है। यानी देश का सबसे बड़ा जो परिवहन का साधन है वो रेल है, और रेल का सबसे अधिक जो रोज़गार देता है वो रेल है। सबसे अधिक जनता की सवारी जो है वो रेल है। यानी वो चाहते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा लोग जनता को रोज़गार देने वाला सेक्टर, सबसे ज़्यादा लोगों को जनता को ढोने वाला सेक्टर, और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सेक्टर है, इसलिए वो चाहते हैं कि रेल को निजीकरण करें और अपने पूंजीपतियों साथियों को सौंपें। नहीं तो एक सरकार जनता के लिए काम करती है, फिर पूंजीपतियों की बात क्यों? ये रेल नकली बात है, जनता के लिए काम करती है। वो किताबों में लिखा है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की चुनी हुई सरकार, ये सब नकली बातें हैं। आज की तारीख में जिस तरह का चंदा लेने का परंपरा शुरू हुई, नहीं आप देख ही रहे हैं कि पूंजीपति चंदा देते हैं इन सरकारों को सरकार बनाने के लिए, तो किन्हीं ने उसका माने अदा करते हैं। ये तमाम जो संपत्तियाँ हैं, निजी संपत्ति, ये सरकारी संपत्तियाँ हैं जिनको हमारे आपके किसानों मजदूरों के टैक्स से खड़े किए गई हैं, उसको उन पूंजीपति को सौंपते हैं। तो रेल के निजीकरण से क्या असर पड़ेगा व्यापक तौर पर? बहुत असर पड़ेगा। जो जनता की सवारी है, अभी आप देखिए 20 रुपये में आप 30-40 किलोमीटर यात्रा कर लेते हैं। अगर आप विकलांग हैं मान लीजिए, तो आपको सुविधा मिलती है। आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको सुविधा मिलती है। आप देश के सैनिक हैं, कोई आफत आई है तो कहीं खड़े हो गए तो आपको यात्रा मिल जाती है। आप सबसे अधिक जो मैंने अभी कहा, सबसे अधिक रोज़गार मिलता है इससे। तो जो रोज़गार मिलता है तो आरक्षण भी मिलता है। तो दलितों को जो SC ST हैं उनको जो आरक्षण मिलता है वो सब नहीं मिलेगा, और जनता की जो सवारी चल रही वो जनता छिन जाएगी। भाई मुख्यतः क्या है, लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उनको दवाई मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएँ। अब एक वजह की बात और मैं आपको इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जब ये चल रहा है कि साहब कोरोना काल में ये कहा गया कि सब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको निजी बनाइए, उसको सरकारी करिए, क्योंकि ये कोरोना काल में वही सेक्टर ने काम, आपके भारत में भी वही सेक्टर ने काम किया जो सरकारी थे। प्राइवेट तो सब बैठ गए थे। आज बताइए प्राइवेट कौन सी ट्रेन चल रही है? तो यकीनन ये सरकार जानबूझकर कोरोना से सीखने के बजाय वो पूंजीपतियों को, चूंकि उसने चंदा उसने लिया, बड़े बड़े घरानों से लिया है, वो अपना प्रजता कर रही है। अच्छा, अभी आप जब अभी भी बोल रहे हैं कि पूंजीपतियों से चंदा लिया, हाँ। तो एक तरफ सरकार में चुनाव लड़ने के लिए वो भले पैसा दे दें पूंजीपति, हाँ। लेकिन चुनती तो जनता ही है, तो फिर उस पर इतनी बेवफाई। ये आपने बहुत शानदार सवाल किया, बिल्कुल बहुत आपने शानदार किया। ये सही बात है कि ये जो डेमोक्रेसी है, आम जनता के तक जो पहुंच का संसाधन है, वो जो सचमुच में हम जैसे लोगों के पास, वो यकीनन जो सभी जनता के लिए काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, और जब चुनाव होता है इतने बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं विधानसभाओं के, लोकसभाओं के, वो तमाम जो काम करने वाले लोग उन तक अपनी बात पहुँचा नहीं पाते हैं। और ये समझ लीजिए, एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, ये जो सरकार इस समय जो सरकार है, ये गोबल्स को, हिटलर को अपना आदर्श मानती है, और गोबल्स बोलता था कि झूठ को इतनी बार बोलो, चिल्ला कर बोलो, कुछ सच लगने लगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, आप रेल की बात कर रहे हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री तो दिन रात जो है वो गांधी के आगे सिर नवाते नहीं, ये तो आई आपने, हाँ। मुँह मेरा बगल में छुरी, ये तो झूठ, तो सब जान रहे हैं भाई, ये तो सब जान रहे हैं। उन्होंने बनारस में क्या बोला कि आप लोग तो नौकरी में आए होंगे, मैंने 15 साल से 20 साल से जब पढ़ाई लिखाई किए होंगे, 22-23 साल को नौकरी में आए होंगे, हमारा तो रेल से है ही है। मजे की बात देखिए, वो रेल वहाँ थी ही नहीं जहाँ को रहने वाले हैं। मैंने इतना झूठ, यानी झूठ भी शर्मा जाए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, इतना झूठ बोलते हैं वो। तो साफ सी बात है, ये झूठ बोलते हैं, उनके पास संसाधन है तमाम तरह के। इसी अब जहाँ से आप बात कर रहे हैं गांधी मैदान पटना में, आप सोचिए ना कि यहाँ लोगों को जब कोरोना का संकट आया तो लोग बिहार के बॉर्डर पे आके खड़े हो गए, यहाँ की सरकार ने उनको एंट्री नहीं दिया। लेकिन जब इनका अपना प्रचार आया, वर्चुअल कितना इन लोगों के, कितने LCD लगाया इन्होंने TV का, तो यकीनन इनके पास प्रचार का संसाधन है, झूठ का एक माने इनके पास बातचीत है। यकीनन हम वो सच, ये झूठ अपना लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं, हम सच जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसमें हमारी कमजोरी है, या हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं है, ये बात सच है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब रेल में आप काम करते हैं, रेल यूनियन के लिए काम करते हैं, लगातार देश भर में आंदोलनों में भी आप जाते हैं, उन कर्मचारियों को अपनी तबाही की बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, ये भी बहुत शानदार आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सही बात है कि जो शुरू के दौर में जो ट्रेड यूनियन में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने संघर्ष करके तमाम इन कर्मचारियों के वेलफेयर में बहुत सारे कानून बनवाए। उसके बाद क्या हुआ, उन कर्मचारियों का जो वर्गीकरण होना था कि भाई कैसे ये कानून हमारे सुविधा में बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि तमाम हड़तालें होती हैं, तमाम संघर्ष होते हैं, तमाम लोग जेलों में जाते हैं, तमाम तरह के काम करते हैं, उसके बाद ये कानून उनके हित में बनता है। लेकिन जब उन कानूनों से इनको सुविधा मिलने लगी, तो ये भी यकीनन सुविधा भोगी हो गए। इनका जो जिम्मेदारी थी, होनी चाहिए थी, जो इनका क्लास बनना चाहिए था, कि जो सुविधाएँ मिली हैं तमाम संघर्षों के बाद मिली हैं, और ये काम वो करने के बजाय ये वो काम नहीं किए जो उनको करना चाहिए। जो कर्मचारी का वेतन पहले कम था, वो सीधे सीधे सम्मानजनक वेतन हुआ, उनका वेतन, उनका जीवन सुखमय हुआ,
लेकिन उनको जो भविष्य था, जिस भविष्य के लिए उनको और लगातार लड़ना था, यकीनन उनका वर्गीकरण नहीं हुआ, उनकी क्लास चेतना उन्नत नहीं हुई। ये काम एक तो सरकारों ने नहीं होने दिया, सरकारों ने इस तरह का उनको सुख सुविधाएँ दी कि जिससे उनका वर्ग चेतना उन्नत न हो पाए, और यकीनन वो साथियों ने भी खुद भी अपनी चेतना को उन्नत नहीं किया, इसीलिए उस तरह का मूवमेंट नहीं खड़ा हो पाया। ये जो मतलब आपका ये कहना है कि जो रेल का संघर्ष हुआ, रेल का आंदोलन हुआ, उसकी बदौलत जो अधिकार मिले, वो जो नए कर्मचारी हैं उनको वो एहसास नहीं है कि कैसे वो अधिकार हासिल किए। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। यकीनन उन साथियों को, जो हमारे युवा साथी जिन्होंने उनके नेतृत्व में संगठन संघर्ष चले थे आज़ादी की, ठीक बात, देखिए आज़ादी ठीक पहले रेल यकीनन प्राइवेट सेक्टर में थी, उस जमाने में संघर्ष किया गया, आज़ादी के बाद ये लगा भारत कैसा बनेगा, तो यकीनन ये सार्वजनिक सेक्टर बनेगा। तमाम राजघराने थे, उनको सरकार ने कहा नहीं, अब राजा कोई नहीं और कोई प्रजा नहीं, जनता को एक तरह का बराबर का हक मिलेगा। इस तरह के सब सेक्टर, सार्वजनिक सेक्टर जनता के पसीने खून पसीने से चंदा ले लेकर या उसका टैक्स लेकर उसके खड़े किए गए। खड़े करने के बाद ये कर्जाई जो उन्होंने हर तौर मेहनत करना शुरू किया, तो ये हुआ कि भाई उनके हक की बात करिए, उनको सम्मानजनक वेतन मिले, सुविधाएँ मिले, उनके बेटफेयर की बात हो, उनको मैंने सोशल सिक्योरिटी मिले, उन्हें जो है बेस सिक्योरिटी मिले, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, ये सब मिलने शुरू हुई। तो उसमें इन लोगों ने वेतन की, अच्छा आपको ये भी जानकर ताजुब होगा, शुरू में जो वेतन आयोग आते थे उसमें कभी किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में कहाँ तक कि 42% तक लोगों का वेतन में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद से ये हमारे साथियों को जो वेतन मिला, यकीनन ये सच है, इसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, सम्मानजनक वेतन जब उनको मिला तो उससे उनकी जो चेतना थी वो क्लास बदल गया, वो अपने आप को बड़ा अधिकारी समझने लगे और अपनी सुविधाओं में ही रह गए, जो उनका लगातार का संघर्ष आगे रखना चाहिए था, लेकिन उसमें कमी कमजोरी आई, इसीलिए हालत भी हुई। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा सत्ता समर्थित और मोदी समर्थित सरकारी कर्मचारी भी रहे। फिर मैं बात वही कह रहा हूँ ना कि यकीनन सरकार ने ये जो ये काम किया, उनको लगा भाई जो कुछ वेतन आया, कुछ सम्मानजनक उनको जब तनख्वाह मिलने लगा, तो ये सरकार ने फिर उनका अब जो पहले था कि हम मजदूर हैं, फिर उन्हीं कर्मचारियों के अंदर जाति का, उन्हीं कर्मचारियों के धर्म का, ये सब उसने प्लानिंग तरीके से प्रवेश कराया। जो पहले था हमको रोजगार मिले, हम कुछ भी हमें रोजगार मिले, रोजगार मिले, रोजगार मिले, उसकी पहले चिंता में ये था, लेकिन जो ही उसको रोजगार मिला, अपने सेफ जोन में गया, तो उसको फिर उसको याद आया कि मैं तो भाई ये जात का हूँ, ये धर्म का हूँ। ये सरकार ने प्लानिंग कर करके उन कर्मचारियों के अंदर भी ये डाला, और हम लोगों ने लगातार कोशिश करी और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, जब आपसे बात कर रहा हूँ तभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन कर्मचारियों में कर्मचारी का जो मेहनत का जो स्पिरिट होनी चाहिए, जो जबा होनी चाहिए, जो निगाह होनी चाहिए, वो इस्टेब्लिश हो। चलिए, आखिरी एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देश भर के लिए कि सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुलम्मा है या निजीकरण के हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा? देखिए, ये करप्शन है, ये तो अलग ये है, लेकिन करप्शन क्यों है, ये बात है ना, करप्शन के पीछे मैंने एक वजह भी समझना पड़ेगा, और जितना है उस सरकार किस तरह प्रचार प्रसार करती है। जैसे एक थोड़ी लंबी बात होगी मगर आपको सुनना होगा, आप टीचर हैं और मैं डॉक्टर हूँ, आपकी तनख्वाह 50,000 है और मेरी तनख्वाह मेरी डॉक्टर हूँ 50,000 तनख्वाह है, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को हमें पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, तो उसको हम कोटा भेजेंगे, मैं डॉक्टर हूँ अपने बच्चों को कोटा भेजूंगा पढ़ने के लिए, वहाँ ट्यूशन के लिए पैसा चाहिए, जो वेतन मुझे मिलता है उस वेतन से यकीनन हम अपने बच्चे को कोटा नहीं भेज पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, और प्राइवेट प्रैक्टिस भी एक तरह का करप्शन है। और आप क्या है, आप टीचर हैं और आपको अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, परिवार का इलाज कराना है, तो जो हमारे पास सरकार जो सुविधा देती है यकीनन उससे आपके परिवार का इलाज नहीं मिल पाएगा, तो आप भी ट्यूशन पढ़ाइएगा। यानी डॉक्टर इसलिए काम कर रहा है कि उसको मास्टर को देना है, और मास्टर इसलिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत मैंने कर रहा है उसको डॉक्टर को देना है, और सरकार इनसिक्योरिटी फीलिंग है ये सरकार ने पैदा किया। अगर दवाई फ्री हो जाए, पढ़ाई फ्री हो जाए, यात्रा फ्री हो जाए, तो ये करप्शन यकीनन रोक लग सकती है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है कि हमको आपको करप्ट बनाया। कई बार मैं जब कर्मचारियों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि भाई भ्रष्ट तो कर्मचारी भी हैं, सॉरी नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, तो इनको भी प्राइवेट कर दिया जाए। नहीं, ये तो बहुत मैंने इस तरह के जो हमारे साथी बात करते हैं, यकीनन इस बात को सोचना चाहिए। भाई सब कुछ तो प्राइवेट आप कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट भी प्राइवेट करिएगा क्या? वही सब पार्लियामेंट भी प्राइवेट करिएगा क्या? तो ये तो सही है, इसलिए जो सरकार, ये जो सरकार है ये तो चाहती है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला अभी एक बार कि हम आपको देश को फिर 47 के और 42 के पास ले आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कहाँ जाते हैं? वो कह रहे थे कि भाई ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का मामला नहीं है, मामला है उसके पहले राजा और प्रजा थे, मिडिल क्लास था ही नहीं, जो सरकारी कर्मचारी थे वो थे ही नहीं, एक राजा हुआ करता था और एक प्रजा हुआ करता था। ये फिर से वही चाहते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़े हो जाएं। इस कोरोना संकट में आपने देखा, अडानी संपत्ति तो घटी नहीं, अंबानी तो घटी नहीं, वो एकदम अरबपति और खरबपति और होते जा रहे हैं, लेकिन आम आवाम और गरीब होना चाहती है, तो चाहते हैं कि एक तरफ बहुत राजा रहे, एक तरफ बहुत गरीब लोग रहे हैं, ये साफ सी बात है। खैर, तो इस गरीब और अमीर के बीच जो रेल है, हाँ, वह एक बड़ी चीज़ थी जो बचाए हुए। देखिए, ये बहुत साफ सी बात है, अभी हम लोगों ने कोशिश करके तमाम जो रेल के संघ में कर्मचारियों के बीच काम करते हैं उनसे हमने बात करी कि भाई हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं और आप भी अकेले नहीं लड़ सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो जो भी गार्ड काउंसिल के हैं, एलआरसा के हैं, इस्मा के लोग हैं, आरएमयू के लोग हैं, हम इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के लोग हैं, हम लोगों ने लगभग
20-22 संगठनों से अलग अलग बात करी। हम लोगों ने एक प्लेटफार्म बनाया, उसका नाम रखा नेशनल मूवमेंट टू सेफ रेलवे, कि आइए रेल को बचाते हैं, देश को बचाते हैं। क्योंकि रेल केवल रेल कर्मचारी उसकी मामला नहीं है, ये जो तमाम लोगों को जो दलित हैं उनको जो नौकरी मिलती है, वो तमाम गरीब गुरबा हैं जिनको यात्रा सरलता से मिलती है, वो तमाम जो विकलांग हैं, वो तमाम जो सीनियर सिटीजन को सुविधाएं मिलती हैं, इन रेल का बिक जाने का मतलब कि देश का बहुत बड़ा चीज़ बिक जाना। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोई जन आंदोलन, कोई जनता, न दलित, न पिछड़े, न गरीब, न अमीर, कोई सड़क पर नहीं आया रेल के नीचे? नहीं नहीं, मैं इससे आपसे सहमत नहीं हूँ। सरकार ने ये दरअसल में लोग आना चाहते हैं और आ ही रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं सड़कों पर। अगर हम लोग नहीं आते हो तो इसी कोरोना में हम लोग कई FIR हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम सड़क पर आए, लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना का भाई इस्तेमाल लोग डराने के लिए किया हुआ है, उसका सब कुछ हो रहा है। वो जो आप सोचिए जरा कि इसी बिहार में जहाँ आप खड़े हैं, लोग जब आने दिल्ली से चले पैदल, पैदल चलते रहे लोग बॉर्डर पे आकर रुके। नहीं, जैसे किसानों का आंदोलन हो जा रहा है, हाँ, उसका प्रचार होता है देश में, ऐसा कोई रेल के निजीकरण के खिलाफ कोई मूवमेंट? यकीनन होगा, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं, यकीनन होगा, यकीनन होगा। और ये रेल के आंदोलन में 50 साल बाद हम लोगों ने कोशिश करी, हम लोग आपसे मैंने शुरू में भी कहा था कि यकीनन जो रेल का परमानेंट कर्मचारी है उसके अंदर ये मैंने अपनी जिस तरह का सम्मानजनक वेतन मिलता रहा, इसलिए उसका करेक्टर या इनकी विचारधारा यकीनन में वो बदलाव आ गया था। लेकिन अब जिस तरह का रेल का निजीकरण हो रहा है और रेल में रेल परमानेंट कर्मचारी ज़्यादा संविदा कर्मचारी हो गए हैं, उनके वो लग रहा है कि हम भी उसी तरह जा रहे हैं, तो एक विमर्श भी होता है ना। अब वो खुद अनुभूति कर रहा है कि नहीं, तो हमला बड़ा है तो हमको एक गुलबंद होना ही चाहिए, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन रेल में ये ऐतिहासिक आंदोलन जल्द ही जल्द खड़ा होगा, खड़ा हो रहा है, लगातार आंदोलन खड़े हो रहे हैं। पूरे देश में सब कुछ चलने लगा, बड़े दूरी की ट्रेनें भी चल रही, लोकल ट्रेनें क्यों बंद हैं और पैसेंजर को क्यों बंद है? देखिए, आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सही बात है, हम लोग ये चुनाव बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार है मुलाकात हम लोग की है। साफ सी बात है, सरकार ये चाहती है कि इस तरह का एक माहौल बने। आने वाले समय में आप दशहरे दिवाली के सब त्यौहार आ रहे हैं, वो चाहती है, जो उसने एक बड़ा किया है कि हम 151 ट्रेनों को मतलब चलाएंगे, उन ट्रेनों के लिए स्पेस, वो किस रूट पर चलेंगे भी आपको पता होगा कि इलाहाबाद से कलकत्ता से पटना, ये सब जो मेन रूट है उनको दिया जाएगा। यकीनन सरकार की प्लानिंग है कि पूंजीपतियों की कैसे अधिक से अधिक सवारी मिले, उनकी टाइमिंग कैसे हो जाए। ये जानबूझकर सरकार जानबूझकर रेलों को बंद किया है, कोरोना के नाम कोरोना है कि बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन गरीब किसान मजदूर और बस्ते बदतर हालत में चला जाए। सरकार जानबूझकर रेलों को नहीं चला रही है क्योंकि गरीब किसान मजदूर यात्रा नहीं कर पाए और अपने जो अपने उनके संगी साथी हैं उनको उनके हिसाब से रेल का संचालन हो पाए, मतलब पूंजीपतियों के द्वारा। बिल्कुल साफ सी बात है, मतलब है। जैसे ही खुले रेल ट्रेन, हाँ, तो मुनाफे का मतलब बिल्कुल अभी तैयार हो रहा है, हाँ। जो ही मतलब लगेगा कि भाई अब दशहरा आ रहा है, यकीनन हम लोग किसान जो भी लोग शहरों में जाते हैं, जब इस तरह के तीज त्यौहार आते हैं, लौट के अपने घरों में आते हैं, उसमें बड़ी भीड़ रहती है, तो उसमें कौन आएगा? जो रेल के जो पूंजीपति आएंगे अपनी ट्रेनों को लेकर, उनमें तुरंत उनको मुनाफा लगेगा। तो अपने साथियों को जो उनके पूंजीपति साथी हैं जो रेल के आने वाले समय संचालन करेंगे, उनके मुनाफा पहुंचाने के लिए उनकी योजना है। लेकिन माफ करिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं कि हम लोग यकीनन इनसे लड़ेंगे और रेल का निजीकरण दुबी ताकत हमारी होगी, हम नहीं भूलेंगे। शुक्रिया आपका। आप थे हमारे साथ कमल उसरी, और आपने सुना कि वह विस्तार से बताए कि कैसे इस देश में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि हमारा सवाल यही है कि जनता इस आंदोलन में उस रूप में साथ नहीं आ रही है, आखिर क्यों? हो सकता है इसका भी जवाब वो लोग ढूंढें, लेकिन यह सवाल बड़ा है कि गरीब और हाशिए पर जाएगा अगर रेलवे का निजीकरण हुआ, क्योंकि बच्चा जिसके जेब में पैसा नहीं है, फार्म भरना है, वह पैसेंजर में बैठ जाता है। जिस आदमी को इलाज कराना है, अस्पताल पहुँचना है, वह लोकल ट्रेन में बैठ जाता है। पैसा न भी रहे भी तो इतना मामूली और सस्ता है कि वह अपनी जीवन की सुविधाएं हासिल कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ और जैसा तेजस ट्रेन बन के आई है, अगर ऐसी व्यवस्थाएं होने लगी, तो यकीन मानिए आप अपने गाँव में ही रहेंगे, मरने का तो हम कह नहीं सकते।